नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाते हैं कटहल कोफ्ता, और इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे फ्रेंड्स, और वो भी बहुत ही आसान तरीका से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी रेसिपी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कटहल कोफ्ता देर न करते हुए। तो इसके लिए हम ले लेंगे कटहल, और ये कटहल मैंने लिया है कटहल, और आलू लिया है मैंने। तो कटहल हम लेंगे छोटे साइज़ की, कटहल अगर मिलती है मार्केट में ना तो वो आप प्रेफर कीजिएगा लेना, क्योंकि जो बड़ा कटहल होता है उसमें क्या होता है, रेशा हो जाता है, तो उससे बढ़िया नहीं बनता है कोफ्ता हमारा। तो छोटे आकार के कटहल अभी मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप उसी को लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इस तरह से चाकू में तेल थोड़ा लगा लेंगे, सरसों का मैं तेल लगा रही हूँ, और जिससे कि ना इसे काटेंगे ना तो इसमें का जो दूध निकलता है ना, और हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो वो चिपकेगा नहीं इसमें। और फ्रेंड्स ना, मैं कटहल को बहुत ही आसान तरीके से छीलती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, रेसिपी को पूरा देखिए। तो ये देखिए, मैंने बीच से कट कर लिया है और पानी में डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें जो दूध निकलता है ना बहुत ही चिपचिपा होता है। तो ये आप दो कट इसमें लगा दीजिए, और अब हम क्या करेंगे कि कुकर में ना डाल देंगे इसे, इसी प्रकार से इसे खड़ा ही, अब बाद में इसे छीलेंगे उबालने के बाद, जिससे कि ना हमें बहुत ही आसानी से ये छिला जाएगा, और मतलब और सुविधा होगी। और इसमें मैंने दो आलू भी लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे तो जितना कि ये डिप हो जाए, पानी में डूब जाए उतना। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम 1 चम्मच के करीब सरसों तेल, और अब हम इसमें ढक्कन लगा करके ना इसे उबाल लेंगे। तो तेल डालेंगे ना, क्योंकि तेल डालने से ना हमारे कुकर में भी चिपकेगा नहीं, उसका जो दूध निकलता है ना चिपचिपा सा, वो नहीं चिपकेगा। तो गैस जला दिया है मैंने, और गैस पर मैंने चढ़ा दिया है इसे, 2 विसिल आने तक उसे हम कुक करेंगे। तो इधर अब हम तैयारी करते हैं मसाले की। तो मैं मिक्सी जार ली हूँ, इसमें मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ छील करके, थोड़े से अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और एक हरी मिर्च, और 2 प्याज मैंने लिया है बड़े आकार का। तो इसमें से मैं ना छोटे छोटे काट करके रखी हुई हूँ, बाद में उसका यूज दिखाऊंगी मैं। और ये थोड़ा सा मैं बड़े आकार में काट ली हूँ, इसे पीस लेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है मैंने। अब हम लेंगे गरम मसाला। तो मैंने एक लिया है इलायची बड़ी वाली, और ये लिया है मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची लिया है मैंने, 5 से 6 लौंग लिया है मैंने, और 1 ये स्टार है, तो स्टार फुल इसे मैंने हाफ में यूज कर रही हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें गोल मिर्च 1 चम्मच डाला है मैंने, और 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, और ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम पानी, और हम इसे ना पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर गोल मिर्च आप अगर खाते हैं तो डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो गोल मिर्च को स्किप कर दीजिएगा, बट इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गोल मिर्च से। और ये पीस लिया है मैंने, देखिए, और इसे अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसी मिक्सी जार में हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे, पीसेंगे। तो मैं छोटे आकार का, मेरे पास टमाटर था तो मैंने 4 टमाटर लिया है, अगर बड़े आकार का टमाटर है तो 2 टमाटर ही यूज मतलब लीजिएगा, यूज कीजिएगा। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसमें अब इसे हम पीस लेंगे, ये देखिए मैंने पीस लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस में। ये देखिए, इधर हमारा उबल चुका है आलू और कटहल भी, 2 विसिल आ गया था, तो मैं ये देखिए दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो 2 या 3 विसिल आप लगा लीजिए इसे, और ये देखिए इसका कसैलापन भी निकल जाता है पानी में, फ्रेंड्स दिख रहा है ना पानी कैसा हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे आलू को और कटहल को, और इस तरह से हाथों से आप इस तरह से इसे छील दीजिए, आसानी से छिल जाता है, या फिर आप इसे चाहे तो चाकू से भी इस तरह से काट करके, और बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अब हाथ में दूध वगैरह चिपकने का भी डर नहीं है, हाथ में कोई सरसों के तेल वगैरह लगाना नहीं है, बहुत ही आसानी से ये छिल जाता है। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा कटहल को छीलने के लिए, और बहुत ही घंटों का काम मिनटों में हो जाता है ये कटहल छीलना। तो ये इस तरह से मैं छील ले रही हूँ, और ये देखिए, और मैं आलू को भी छील ले रही हूँ। अभी थोड़ा गर्म है ये सब, तो थोड़ा गर्म में ही ये सब काम भी करना है। और ये बीच का जो पार्ट है ना फ्रेंड्स कटहल का, तो ये बहुत ही सख्त भाग होता है, और इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। प्लस ना इसका, आप अगर इसे बनाकर सब्जी खाएंगे ना तो इसे पेट भी दर्द करता है कभी कभी किसी को, क्योंकि ये गलता नहीं है ठीक से। तो इसे हम क्या करेंगे ना कि हटा देंगे बीच का जो पार्ट है, इसका जो रीढ़ है। और अब हम लेंगे पोटैटो मैशर, और इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो हमें गर्म में ही फटाफट से ये काम करना है, वरना ये सख्त हो जाएगा तो फिर अच्छे से ना मैश नहीं होगा। तो अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है ना तो क्या करिए कि मैं तरीका बताती हूँ। ये गिलास सबके घर में भी होता है, तो गिलास का जो नीचे पेंदी है ना, इससे हम क्या करेंगे ना, ये दबाते हुए
इसे इस तरह से हम इसका जो है अच्छे से ये पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो ये मैं डाल रही हूँ मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए, और इसमें हम लेंगे हल्दी पाउडर हाफ चम्मच लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, और इसमें अब हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले। और अब हम लेंगे इसमें बेसन, तो 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, बस ये इतना काफ़ी है बाइंडिंग के लिए, और इसे मिला लेंगे। अगर आपका जो है बैटर गीला है अगर, तो आप 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच भी बेसन ले सकते हैं, और इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। इस तरह से मिला लेंगे। अब हम करेंगे हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ये इस तरह से सरसों का तेल मैं लगा रही हूँ, और जिससे कि थोड़ा हाथों में भी चिपके नहीं, और ये बॉल इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से इसका बॉल तैयार हो जा रहा है। तो ये मैं इस प्रकार से पूरा ये बॉल देखिए बना ली हूँ। तो अब चलिए चलते हैं इसे, आइए इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था इधर, गर्म हो गया, इसमें सरसों तेल डाला है मैंने। और जी हाँ फ्रेंड्स, सरसों तेल में ही सब्जी वगैरह बनाते हैं तो अच्छा लगता है, और इसके अलावा अगर आप जो भी तेल खाते हैं पसंद करते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर सब्जी को सरसों तेल में ही बनाती हूँ। तो इसे अब हम पलटते पलटते हुए ना फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए फ्राई कर लिया है मैंने, और ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसी तरह से बना करके भी इसे ना स्नैक्स के रूप में भी शाम के समय में खा सकते हैं, या फिर नाश्ते में भी खा सकते हैं टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है ये खाने में फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के मसाले नमक वगैरह मिला हुआ है। तो ये अब दूसरा बैच भी मैं डाल दे रही हूँ इसी में। तो फ्रेंड्स, इतनी देर तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये लटते पलटते हुए ना इसे भी हम सेक लेंगे। तो उसमें तेल ज़्यादा था तो मैं थोड़ा सा कम कर दी इसी में कढ़ाई में, और इसमें हम डालेंगे, मैंने डाला है जीरा 1 चम्मच, और एक मैंने डाला है तेज़पत्ता, और एक लाल मिर्च, और ये जो छोटा आकार का मैंने प्याज काट के रखा था ना इसे हम डालेंगे, और इसे हम ना हाई फ्लेम पर भूनेंगे इस प्याज को। ये देखिए मैं एकदम हाई फ्लेम पर इसे भून रही हूँ इस प्याज को, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आएगा, और बहुत ही जल्दी से ये मतलब पक भी जाएगा, भुन भी जाएगा। और ये देखिए कितने सुंदर से हमारे सारे जो है बॉल तैयार हुए हैं कोफ्ता के। आप चाहे तो इसे इसी तरह से टमाटो सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए भुन चुका है हमारा प्याज, और अब हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने पहले पीस के रखा था मिक्सी में, और इसे अब हम भूनेंगे मसाले को प्याज के साथ में। और इस मसाले में हमने ना धनिया पाउडर हल्दी वगैरह नहीं डाला है, लाल मिर्च वगैरह नहीं डाला है, तो हम इसमें डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने डाला है ये हल्दी, और अब हम इसमें लेंगे तीखी वाली ये लाल मिर्च, और ये अब हम लेंगे थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये डालिएगा जरूर फ्रेंड्स, इससे तीखापन नहीं होता है बट बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है। ये मैंने लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे इसमें, और इसे हम भून लेंगे थोड़ी देर 1 मिनट के करीब। और ये जब थोड़ा सा भून जाएगा ना, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके तब हम अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, और ये देखिए इस तरह से इसे भून लेंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मसाला जो भूनने हैं ना तो क्या होता है, छीटा पड़ता है, तो हम ढक करके भूनेंगे, जल्दी भी भून जाएगा मसाला इसके वजह से, और अच्छे से तेल भी ये छूट जाता है। ये देखिए इस तरीके से, तो ढक ढक करके भूनेंगे थोड़ी देर पहले भूनेंगे, और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें टमाटो जो हमने पीस के रखा है टमाटो प्यूरी। ये देखिए, तो मसाला को पहले भून जाने दीजिएगा बढ़िया से, उसका कच्चापन चला जाए, तब हम डालेंगे टमाटर। और अब हम टमाटर डाल के भी इसे भूनेंगे ढक ढक करके। तो इससे पहले इसमें हम डालेंगे नमक, तो इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो कोफ्ता में भी हमने नमक डाल के रखा हुआ है पहले से, तो इसका ध्यान रखेंगे, और ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक डाल करके भी इसे मिला लेंगे, और थोड़ी देर इसे 1 से 2 मिनट पहले चलाएंगे, उसके बाद फिर इसे ढक करके इसे भी हम अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे फ्रेंड्स अभी, और इसे हम भूनेंगे। तो इस मसाले को भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट आपको ज़रूर लग जाएंगे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा तेल इसे निकलना शुरू हो चुका है मसाले में से। तो अगेन मैं ढक्कन हटा दी हूँ, और इसे एक बार इसे इस तरह से चला लेंगे, और ये देखिए अभी तक पूरी तरह से मसाले में से तेल अलग नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बार और अगेन ढक करके इसे
एक से दो मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से तेल इसका अलग हो जाए मसालों में से। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये कलर आया है इसका, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों में से। भुन चुका है मसाला हमारा बढ़िया से। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर इस तरह से चला लेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी में इतना डालिए जिससे कि इसकी ग्रेवी जो है ना लटपटी सी अच्छी लगती है। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जब ना बॉल हम डालेंगे ना तो क्या होगा कि वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है हमारा कोफ्ता। तो पानी मैंने इतना डाल दिया है, और इसमें पानी में जब उबाल आ गया है ना, देखिए मसालों में पानी का में जब उबाल आ जाए अच्छे से, तब हम डालेंगे इस कोफ्ता बॉल को। और इसे डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाना है, केवल एक मिनट इसे हम कुक करेंगे अब। नहीं तो ज़्यादा देर पकाएंगे तो क्या होगा, हमारा बॉल जो है टूटने लगेगा और हमारा कोफ्ता जो है पूरा टूट करके बिखर जाएगा कढ़ाई में ही। तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये उबाल आने के बाद केवल एक मिनट हम इसे कढ़ाई में डाल करके कोफ्ता बॉल को और इसे उबाल लेंगे। तो ये देखिए हो चुका है, मैं गैस बंद कर दी हूँ। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर से कटे हुए धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, उसी तरह से इसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी होती जाएगी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। इसे आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। तो दोस्तों आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल पे और भी बहुत सी सब्जियों की रेसिपी वगैरह है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में।